तो और मेरे दोस्तों कैसे हो भाई। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम आईडी को सेफ कैसे रख सकते हो। एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपके काम में, आपके आईडी को सेफ रखने में, ठीक है। चाहे वो गूगल आईडी हो चाहे वो इंस्टाग्राम आईडी हो, दोनों में चीज़ें होती हैं कि हमारी आईडी बहुत लोगों के पास होती है तो हमको पता नहीं होता है। अगर किसी ने चोरी से निकाल भी लिया है भाई, तो आप इस वीडियो की मदद से पता कर सकते हो कि किसके फ़ोन में लॉगिन है, कितने बजे लॉगिन हुआ, कहाँ लॉगिन हुआ, ठीक है, कौन से जगह पर लॉगिन हुआ, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स पता चलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट देखना भाई, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और आपकी आईडी से सेफ होने वाली है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि हम इंस्टाग्राम पे कैसे देख सकते हैं, इस चीज को कैसे पता कर सकते हैं। वीडियो पे नए रहोगे तो भाई एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त वीडियो को पूरा देख लेना क्योंकि आपको बहुत समझ में आने वाला है। इस वीडियो में बहुत कुछ बता दूंगा जिससे आपकी आईडी सेफ हो सकती है, ठीक है। तो वीडियो पर लास्ट तक कंप्लीट बने रहना, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो लेकर चलता हूँ फोन पे तुमको और फटाफट से बताऊंगा कि करना क्या है। तो इंस्टाग्राम चालू कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम चालू करने के बाद आपको दिख रहा होगा नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन, ठीक है। प्रोफाइल के ऑप्शन पे जाना आप, ठीक है दोस्त। प्रोफाइल के ऑप्शन पे जाने के बाद अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, वो थ्री लाइंस का, ठीक है। तो ये थ्री लाइंस पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है तुमको, ठीक है। सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हो यार, थोड़ा सा अपडेट होने के बाद ना इंटरफेस ही पूरा चेंज हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, तो समझ में नहीं आता कभी कभी। तो अब यहाँ पे देखो अकाउंट और सेंटर पे जाना, ठीक है। अकाउंट और सेंटर पे जाओगे ना तो यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी तुमको जो है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसी में सब कुछ छुपा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अपडेट हुआ है ना जब से तब से चीज़ें चेंज हो गई तो ढूंढने में मुश्किल आती है कभी कभी। तो पहले मैंने चेक किया कि पहले कहाँ पे है भाई ये सेटिंग, फिर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देना। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें थोड़ा सा बता देता हूँ। पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ठीक है, टू वेरिफिकेशन कोड लगा सकते हो, सेफ लॉगिन कर सकते हो जैसे कि पासवर्ड, ठीक है। लेकिन अपना जो काम है ना वो ये नहीं है, अपना जो काम है वो है वेयर यू आर लॉग इन, ठीक है। तो तुमने कहाँ लॉग इन किया था, इसमें ये भी बताता है कैसे और किस फ़ोन में किया था, किस इंसान ने किया था, ठीक है। नाम वगैरह नहीं बताता इंसान का, लेकिन हाँ चीज़ें बता देती है कौन से डिवाइस से लॉग इन हुआ था, क्रोमबुक से हुआ था, टैब से हुआ था, फ़ोन से हुआ था, सब कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो फ़ोन है, मेरी जो आईडी है वो लिख के आ रही है द अमन म्यूज़िक, ठीक है। और फ़ोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी M33 डुअल सिम भाई, ये भी बताता है कि डुअल सिम है उसमें, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देना सिंपली ऐसे, ठीक है। क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे फोन डिवाइस का पूरा नाम और कहाँ पे लॉगिन हुआ था, कितने बजे कितने तारीख को लॉगिन हुआ था, सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अगर अदर फोन में भी लॉगिन हुआ रहेगा तो यहाँ पे नीचे आपको शो करेगा, ठीक है, फ़ोन डिवाइसेस के नाम, कितने बजे और कहाँ पे, ठीक है, इंडिया में कहाँ पे लॉगिन हुआ था, महाराष्ट्र में, पुणे में, सूरत में, हर एक डिटेल्स आपको यहाँ पे आ जाएगी। तो देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि दिस डिवाइस, ठीक है, तो मेरा सिर्फ इसी डिवाइस में अभी लॉगिन है। तो इसी तरीके से आप पता कर सकते हो कि आपकी आईडी किस किस फ़ोन में लॉगिन है, कहाँ लॉगिन हुई थी, कितने बजे लॉगिन हुई थी, ठीक है। अगर आपका कोई फ्रेंड अगर आपकी आईडी ले लेता है अपने फ़ोन में या फिर अपने कंप्यूटर में लॉगिन करता है तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई है भाई। तो वीडियो को एक लाइक दो जरूर दे देना, ठीक है। आप लाइक करते हो तो यार मज़ा आता है और वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है। तो और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो आएगी गूगल पे, ठीक है, गूगल आईडी पे, ठीक है, कि गूगल आईडी हमारा किस किस फ़ोन में लॉगिन है, किस किस कंप्यूटर में लॉगिन है, ठीक है। तो आपको इस पे भी ये वीडियो मिलेगी, सेम वीडियो बनेगी, ठीक है, सेम है, तो आपको मज़ा आएगा वीडियो देखने में। चैनल पर नया हो तो भाई ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।